महिला वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हम ये यहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट करवाए थे सहारा वर्ल्ड की मदद से, उनके ग्रुप की मदद से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ सहारा वर्ल्ड की और यहाँ जितने आर्टिस्ट आए थे उन सब की। और ये जो शो कराने का मकसद जो था मेरा, अभी बिगिनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैरिटी शुरू कर चुके हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम मीडिया की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये कामयाबी में मदद की है, और एग्जीबिशन के जो ये इंतज़ामिया हैं उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपके पास मुझे प्रोग्राम करने का मौका मिला। हैदराबाद पुलिस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही हमारी मदद की है, कॉर्पोरेट किया है, कोऑर्डिनेट किया है, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब की। और तमाम जितने भी मेहमान खुसूसी थे उन सब की शुक्रगुजार हूँ जिस जो इस शो में स्पॉन्सर करे थे, जनाब इफ्तिखार अली साहब, मुमताज अली अकरम साहब, गौस भाई, यहिया गौस खान, और डॉक्टर मूर्ति, डॉक्टर आसिया मिनहाज, शालीमार भाई, वंस अगेन रशीद भाई, शालीमार रेस्टोरेंट, उन्होंने सऊदी अरबिया से मुझे डोनेशन भिजाया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सार अली बाखरी साहब 10,000 रुपये डोनेट किया है, बल्कि बोल के गए हैं यहाँ पे, और बाकी जो जो भी लोग इसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे गरीबों की हम आवाज़ बन चुके हैं। और मेरा ये सारा क्रेडिट में जाता है उन नीडी पीपुल्स को, और जो होमलेस पीपुल है जिसके लिए मेरे दिल में दर्द था, जिसके लिए मैंने कोशिश शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। और बाबा भाई जो सहारा ग्रुप में पीआरओ है, आप सही बोली, हाँ, और असरा मेरी दोस्त है, उसकी भी बहुत हिम्मत अफजाई मिली मुझे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बाकी जो जो लोगों ने इसी में सपोर्ट किया है, मोहम्मद, और ख़ास तौर से 30 ब्लैंकेट वसीम और इमरान आजमपुरा से, मोहम्मद, ये तीन लोगों ने 30 ब्लैंकेट्स का इंतज़ाम किया, बट यहाँ के इतनी हलचल में मैंने अभी ब्लैंकेट्स नहीं मंगाए। वो अगर मैं और कुछ चीज़ भूल रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं बहुत टेंशन में थी ये शो को लेके। और यहाँ पे अय्यूब भाई भी आए थे आपके साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक है, और ये जस्तजू में, ये सफ़र में बहुत सों का साथ मुझे जो मिल रहा है, मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और आखिरी बार फिर से बोल रही हूँ कि सहारा वर्ल्ड ग्रुप्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मीडिया आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। अगर कुछ ऊंच नीच हो चुकी है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब से, इसलिए मैं सहारा ग्रुप के चेयरमैन, मैनेजमेंट, MD को ये दे रही हूँ। अब आप बात कीजिए। थैंक यू तस्कीन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और शहबाज स्पेशली, तमाम आर्टिस्ट जो हैदराबाद से है, और जो बच्चे डांसर्स हैं उन सब के, जावेद आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ। एक बार इसलिए बोली कि किसी के दिल को ये बात ना लगे कि फरा मैडम हमारा शुक्रिया अदा नहीं करे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन ऑफ सहारा वर्ल्ड ग्रुप से, आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया चैनल्स का, मेरे भाइयों का, जो माशाल्लाह इतनी रात गए हमारा सपोर्टिव के लिए ठहरे हुए हैं, स्टैंड होकर जो हमारी आवाज़ सारे ऑफिशियल तक और सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। और सारा क्रेडिट शो का इन्हीं को जाता है, क्योंकि हम अगर ये चार दीवारी में शो करते हैं तो मार्केट में फैलाने वाले सारे मीडिया हैं, थैंक्स ऑफ। और ख़ास करके जो आज शो रखा गया था, इसकी वजह ये थी, मैं बता दूं कि ऐसे तो सहारा की तरफ से काफ़ी लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर, बड़े बड़े शोज हुए हैं और आगे भी शायद होंगे, लेकिन ये जो आज का दिन मुकर्रर रखा गया 6 नवंबर 2022 एग्जीबिशन ग्राउंड में, जो फराह खान मैडम की तरफ से था, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो तो सभी जानते हैं कि ये तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम है ये सिर्फ चैरिटी शो था, ये लोग को दिल बहलाने का तो एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन ख़ास मकसद ये था डोनेशन कलेक्ट करें और आवाम तक पहुंचाएं। और इनका इतना सपोर्ट था यहाँ पे कि सारे लोग को, जितने भी होमलेस शेल्टर है, सारे एक जगह करके, इनकी इतनी मेहनत है,
सारा पैसा इनका खुद का लगाते हुए इतना शो करके आगे बढ़ रहे हैं, और तहे दिल से स्पॉन्सर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो सब लोग एक एक कदम आगे बढ़ाकर मैडम को यहां तक लाए हैं, और मैं चाहता हूं मैडम की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। सारे मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये ग्रैंड सक्सेस हुआ है शो, और इसके पहले क्रेडिट जाता है मीडिया को जो हमारी आवाज़ आप तक आ रही है, और दूसरी फरा मैडम को जाता है, क्योंकि इनकी आवाज़ माशाल्लाह हम दिए हैं मेलेडी क्वीन बोलकर, लेकिन ये वाकई में ऐसी हमदर्द इंसान है जो गरीबों के बारे में सोचते हुए ये प्रोग्राम रखा था, और सारे लोग के लिए ब्लैंकेट ही बोलकर नहीं, काफ़ी ऐसे ऐसे चीज़ें पहुँचा रही हैं कि जो बंद मुट्ठी हो रही है, लेकिन ये तो खाली दिखाना इसीलिए है, ये कोई कारोबार नहीं है, लोगों के लिए जस्ट ये काम कर रहे हैं कि लोगों को एहसास होनी चाहिए कि और भी इनसे जुड़े और इसी तरह काम करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।